दिल्ली में लोकसभा चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और मनोज तिवारी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंगद के तरह दिल्ली में अपने कदम जमाए हुए हैं, कन्हैया कुमार उसे उखाड़ने में लगे हुए हैं। मनोज तिवारी जी, आखिरी दिन है, गिन चुन के 5 घंटे बचे हैं जी भैया, क्या कहेंगे? ये मनोज तिवारी जी के लिए जनता का प्यार, यही थोड़ा सा समय बचा हुआ है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जनता के पास पहुंचना भी है, ज्यादा से ज्यादा जनता के पास पहुंचना भी है, लोग नाराज ना हो जाएं इसका भी ध्यान देना है। मनोज तिवारी जी, जनता का इतना प्यार मिल रहा है भैया, बहुत आभारी है और इस प्यार में बहुत जिम्मेदारियां हैं, जिसको बहुत कुछ पूरा किया है और बहुत कुछ पूरा करना है। हम इस प्यार और जिम्मेदारी को समझते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रेम है। कुछ लोग भैया भैया आशीर्वाद रखना, ये सारी जो आशीर्वाद है ये मोदी जी को है थ्रू मनोज तिवारी, क्योंकि प्रत्याशी तो मैं ही हूँ और हमारा दिल कहता है इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिल से अगर उसको पूछा जाए तो उसके अंदर से प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी ही निकलेगा। कन्हैया कुमार आज आपको चैलेंज किया, कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके एक्स सोशल मीडिया एक्स पे आपको चैलेंज किया टैग करके कि आखिरी दिन बचा है, गिन चुन के अब तो 5 घंटे ही बचे हैं, 12 बज चुका है, क्या मूड है कन्हैया कुमार जी के पास जाने का? आप ये बताओ कन्हैया कुमार किस बात पे डिस्कशन करना चाहते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे पर कन्हैया कुमार आज आपको चैलेंज किया है, कन्हैया कुमार ने आपको 3 बजे बुलाया है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए चैलेंज है, कन्हैया कुमार अपनी पार्टी के लिए चैलेंज है, पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए, हमको क्या चैलेंज करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने कन्हैया कुमार जी के लिए प्रचार किया कि कन्हैया किस विषय पे डिस्कशन करेंगे, उनके पास विषय क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, या वो जो नारा लगाया कि कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, या फिर उन्होंने भारत की सेना को गाली दिया, इस पे क्या डिस्कस करना है? हमारे छत्तीसगढ़ में जवान शहीद हुए तो कन्हैया कुमार जश्न मना रहे थे, वो नक्सलियों के सपोर्टर है, वो आतंकियों के सपोर्टर है, वो चूंकि चुनाव हार रहे हैं तो वो चाहते हैं मनोज तिवारी का भी जो समय है 5 बजे तक उसको हम रोक दें। अगर पहले बोले होते तो हम उनको बुलाते। मतलब ये आपका कंफर्म है कि आप डिबेट करने के लिए पीछे नहीं हटे हैं, बस समय कम है इस? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं 5 बजे तक घूमू, नहीं उनका लुटिया डूब गया है। अच्छा, उन्होंने एक और आरोप लगाया कि उनके ऊपर जो हमला हुआ, उनको जो किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि ये मनोज तिवारी जी के भेजा हुआ आदमी है। ना ना, ऐसा नहीं है, ये तो मैंने उसी दिन कह दिया था, मैं ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देता। हमारे साथ इस वक्त कन्हैया मित्तल जी है, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल लग रहा है, इस बार किसकी सरकार आएगी? कन्हैया मित्तल जी, कैसा लग रहा है माहौल? माहौल बहुत जबरदस्त है, मनोज भैया फिर से विजयी होंगे यहाँ से, और लोगों का जोश देखिए आप किस तरीके से जगह जगह स्वागत हो रहा है, और लोगों को ये लग ही नहीं रहा कि अब ये नेता रहे, ये तो जनता का चुनाव हो गया है और जनता खुद लड़ रही है।
ये कन्हैया कुमार जी इनके विरोध में है और कन्हैया मित्तल जी इनके समर्थन में है, क्या लग रहा है कि ये यही दिखा रहा हूँ मैं कि एक कन्हैया दुर्योधन को भी कन्हैया ने दर्शन दिए थे और अर्जुन को भी कन्हैया ने दर्शन दिए थे, लेकिन कन्हैया राजसी ठाट बाट देने के लिए दुर्योधन को चुना और खुद के लिए अर्जुन को चुना। मैं खुद को कन्हैया नहीं कहता, लेकिन मनोज भैया जिस तरीके से धार्मिकता के साथ काम करते हैं, सच्चे दिल से काम करते हैं, उस कन्हैया कुमार, वो कन्हैया कुमार कहीं नज़र नहीं आने वाला। तो कन्हैया कुमार जी इस बार क्लियर कह रहे हैं कि भैया बीजेपी एकदम नहीं आने वाली है, अरविंद केजरीवाल समर्थन में उतर गए, बोल रहे हैं रिंकिया के पापा को जीतने नहीं देंगे, सबके दिमाग खराब हो गए हैं, सब बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये कैसा गाना है, ये भगवान वाल्मीकि जी के लिए लिखा गया था और जो भगवान वाल्मीकि के समाज का नहीं हुआ उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे जनता उनका साथ देगी। दो लाइन, जो राम को लाए हैं उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये थे हमारे साथ कन्हैया मित्तल जी, मनोज तिवारी जी के लिए आज मनोज तिवारी जी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं, रोड शो को संबोधित कर रहे हैं। लीजिए लीजिए ऐसे लीजिए, हमें भी देना, आप जगह मत छोड़ो, उसमें सर उसमें सर आपका दिन आ जाएंगे फिर हो जाएगा। Yeah.